जय श्री हरि विष्णु। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम् यस्य नास्ति नरः सो अंधः कथम् न स्याद् मार्गगः। अर्थात सत्संग और विवेक ये दो प्राणी के निर्मल और द्वेषरहित नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं हैं, वह मनुष्य निश्चित ही अंधा है, क्योंकि इन दोनों के न होने से वह अवश्य ही कुमार्ग पर चला जाता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हम बता चुके हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन की क्या श्रेष्ठता होती है तथा मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य क्या होना चाहिए। आज की प्रस्तुति में हम यह जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु के उपरांत मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है। जीव के यमपुरी में प्रवेश के बाद गरुड़देव ने श्री हरि से प्रश्न किया कि हे भक्त वत्सल श्री हरि, मनुष्य जीवन पर्यंत जो शुभ अशुभ कर्म करता है उसका लेखा जोखा कौन रखता है तथा उसके कर्मों की तुलना किस प्रकार से की जाती है और उसका निर्णय कौन करता है, कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा कि हे पक्षीराज, जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने मेरी प्रेरणा से 84 लाख योनियों का निर्माण किया। उन सभी योनियों में जीवात्मा का प्रवेश होता है, परंतु उन समस्त योनियों में जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार ही प्रवेश करती है। अतः जीवात्मा के कर्मों को देखने के लिए उन्होंने अपने 13 प्रतिहारों को उत्पन्न किया, जिन्हें श्रवणदेव कहते हैं तथा श्रवणदेवों की पत्नियों को श्रवणी कहा जाता है। श्रवणदेव और श्रवणी मन की गति से भी लाखों गुना तेज चलने वाले होते हैं और 14 लोकों में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। भगवान द्वारा उन्हें दिव्य दृष्टि एवं दिव्य श्रवण शक्ति मिली हुई है, जिसके द्वारा वे सर्वत्र स्पष्ट रूप से देख और सुन सकते हैं। वे स्वर्ग में रहकर भी पाताल में रहने वाले अति सूक्ष्म जीव अर्थात चींटी जैसे प्राणियों की क्रियाकलापों को भी स्पष्ट रूप से देख और सुन सकते हैं। वे इतने प्रखर बुद्धि तथा दिव्य दृष्टि वाले होते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मूल्यांकन एक साथ कर लेते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में मन वचन और शरीर से जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है उनको श्रवणदेव तथा श्रवणी देखते और सुनते रहते हैं, इसीलिए उन्हें श्रवण और श्रवणी कहा जाता है। श्रवणदेव पुरुष वर्ग के कर्मों को देखते हैं जबकि श्रवणियां स्त्री वर्ग के कर्मों को देखती हैं। अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करने के बाद जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तब यमदूत उसकी आत्मा को यमपुरी में लाते हैं। यमपुरी के मुख्य द्वार पर धर्मध्वज नामक द्वारपाल रहता है, जो कि यमदूतों के साथ आने वाली जीवात्मा को देखकर ही उसके शुभ अशुभ कर्मों को देख लेता है। उसके बाद जीवात्मा को चित्रगुप्त के पास ले जाया जाता है। चित्रगुप्त भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तथा वे भी प्रत्येक प्राणी के जीवन पर्यंत किए गए शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। उनको यम दरबार का मुख्य लेखाकार भी कहा जाता है। वे जीवात्मा के मस्तिष्क को पढ़ते हैं और उसको गुप्त चित्रों के रूप में संकलित करते रहते हैं, इसीलिए उनको चित्रगुप्त कहा जाता है। फिर चित्रगुप्त धर्मध्वज एवं श्रवण श्रवणियों द्वारा बताए गए कर्म वृतांत के द्वारा जीवात्मा का लेखा जोखा तैयार करते हैं। उसके बाद जीवात्मा को मृत्यु के देवता यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है और चित्रगुप्त उसके जीवन पर्यंत किए गए शुभ अशुभ कर्मों को यमदेव के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार चित्रगुप्त द्वारा बताए गए कर्म वृतांत को सुनकर यमदेव उस जीवात्मा का निर्णय करते हैं कि उसका आगे का मार्ग कैसा होगा। तो यह थी मृत्यु के उपरांत मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।